किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए फौज की तैयारी मुकम्मल है। कोई भी कीमत चुकाना पड़ी, पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त नहीं हो सकता। उड़ी हमले पर भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इल्जाम लगा दिया। वजीर दाखला की मीडिया ब्रीफिंग, कहते हैं मुल्ला मंसूर के जाली शनाख्ती कार्ड की जवाबदेही अक्वामी मुत्तहिदा में देने पड़ रही है। पैसे लेकर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बेचने वालों को गिरफ्तार करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। अब्दुल बासित की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, भारत ने बौखलाहट में बैकडोर रबते भी खत्म कर दिए, आलमी ताकतों को तशवीश। इंतहा पसंद घटिया हरकतों पर उतर आए, अम के सफीरों पर भी वार। पाकिस्तानी अदाकारों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। मकबूजा कश्मीर जन्नत नजीर या जहन्नमजार, 77 में रोज भी गर्म है जुल्म का बाजार। मुसलसल कर्फ्यू से वादी जेल में तब्दील, मरकजी मसाजिद को ताले, नमाज जुमा की अदायगी हो न सकी। मोदी सरकार ने मजीद 10,000 फौजी भेज दिए। कबाइल बलूच, मैं आज ऐलान करता हूँ मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म है, मोदी 2 करोड़ रुपए नकद ऐलान करता हूँ, जो इसका सर लाए उसको 2 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। बलोच रहनुमा ने दहशतगर्द मोदी के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए रख दी। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के मुताबिक मोदी की औकात एक चाय की प्याली से ज्यादा नहीं। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म है मोदी, जो इसका सर लाए उसको 2 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ उठने वाला हर हाथ तोड़ देंगे, हर आंख फोड़ देंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की रैली, पाक फौज के हक में नारे, मोदी का पुतला जला दिया। पाक रूस दिफाई तआवुन के नए दौर का आगाज, तारीख में पहली पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें कल से शुरू होंगी। एसएसजी कमांडोज बुलंद पहाड़ी इलाकों में मशकें करेंगे। तहरीक इंसाफ के टैक्सिला जलसे में बेलगाम कारकुनों की जहालत, कौमी परचम की बेहुर्मती, क़यादत खामोश, पिंडाल सज गया। इमरान खान कुछ देर में खिताब करेंगे। वजीर आजम ने असासे छुपाए नाअहल करार दिया जाए, शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बात पर दिलचस्प तबसरा। कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, ये दमा दम मस कलंदर की बात नहीं की। कभी कसाई भाग जाता है, कभी कुर्बानी भाग जाती है। सो इन दोनों को कुर्बान गाह पे इकट्ठा करना जो है ना, ये मेरे जुम्मे है। इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे होंगे दोनों। पानामा लीक्स की तहकीकात के मुतालबे पर अवामी नेशनल पार्टी ने ऑपोजिशन से राहें जुदा कर ली, तमाम ऑफशोर कंपनी की तहकीकात करें, जाहिद खान का वाज़े मौकफ। अजीजाबादी लियाकताबाद का हॉर्न तो चुप करा दो, लंदन में मुस्तकिल हॉर्न बजाना तो जुर्म है। अजीजाबादी तुसी एक की कर देता, हंसाओ ना। इरम अजीम फारूकी ने बानी एमक्यूएम की मुबैना ऑडियो टेप पर सवाल उठा दिए। मुत्तहिदा लंदन का इस्तीफों का मुतालबा गैर आइनी करार, किसी की फरमाइश पर अरकान असेंबली मुस्ताफी नहीं हो सकते। ख्वाजा इजहार का वाज़े जवाब, पार्लिमानी पार्टी का मुत्तहिदा पाकिस्तान के फैसलों और फारूक सत्तार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। एक काला बिल्ला है, जब हम मैं और जो है वो वसीम अख्तर पेशी के लिए जाते हैं तो वो अचानक पता नहीं कहाँ से आके रास्ता काट देता है।
और फिर जब वो रास्ता काट देता है तो अदालत में हमारी समाप्त होती नहीं है, दो मुकालमे होते हैं और फारिग। तो अब ये सोचा है कि अब जब हम अदालत में जाएंगे तो पहले बिल्ले को पकड़ के अलग बिठाएंगे। रऊफ सिद्दीकी और वसीम अख्तर की जमानत में काला बिल्ला रुकावट बन गया, आइंदा पेशी पर आने से पहले बिल्ले को पकड़ने का प्लान बना लिया। मुल्तान में आंधी और बारिश से मकान की दीवार गिरने से दो बच्चे जां बहक। इतने बड़े बड़े खड्डे, यहाँ पे दो दफा गाड़ी भी जो है ना यहाँ पे स्लिप हुई है। धूल मिट्टी इतनी है कि आधे लोग जो है सांस की बीमारियों में हो गए, आंखों की बीमारी हो गई है। इससे पहले से कचरा वैसे के वैसे रखा हुआ, किसी ने हाथ नहीं लगाया। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह कचरे के ढेर, उबलते गटर, कराची के जिला मलीर के बासियों की जिंदगी अजीरन कर गए। इब्राहिम हैदरी और रोहड़ी गोट में जाना मुश्किल। वीना मलिक के बेटे और बेटी की सालगिरह, अदाकारा ने अपने लाडलों की खुशियां स्वीट होम्स के बच्चों के साथ बांटी।